वहीं दूसरी ओर अगली खबर निफा की ओर से, जहां विकास भवन में राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने की। इस मीटिंग में पूरे देश से निबुआ से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। यहाँ हम आपको बता दें कि निफा एक ऐसी संस्था है जो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है और सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए कई बार सम्मानित हो चुकी है। इस मीटिंग में सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या कार्य किए जाए, इस पर जोर दिया गया। नमस्कार, मैं निशा मंडान और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं निफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में और हमारे साथ मौजूद हैं बैठक के अध्यक्ष प्रीतम पाल पन्नू। सर, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? निफा जो संस्था है, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ पार्टी स्टेट एक्टिविस्ट, पूरे देश में काम कर रही है, लगभग 24 राज्यों में हमारी शाखाएं हैं। तो ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें देश के लगभग 20 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से जो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहाँ पर इस बैठक में आई। इस बैठक में दो दिन की ये बैठक यहाँ पर चलेगी, जिसमें जो हर ब्रांच अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है कि उन्होंने अब तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और आगे समाज और देश की बेहतरी के लिए उनकी क्या प्लानिंग है। उसके अलावा ब्रांचेस को हम लोग भी दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार वो सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार वो यूथ को साथ जोड़ सकते हैं। एक विज़न 2020 है निफा का कि 2020 तक आप निफा को देश के हर ज़िले में देखेंगे, 718 जिलों में निफा की ब्रांचें होंगी। इस विज़न 2020 पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये जो पूरी टीम, युवा टीम अलग अलग से बैठी हुई है, राष्ट्र एक है, नेशनल इंटीग्रेशन, प्यार, एकता, भाईचारा, इन सभी विषयों पर जो है इसमें चर्चा होगी। और हमारा प्रयास है कि जो सशक्त टीम पूरे देश में निफा के साथ जुड़ रही है, उस टीम के माध्यम से हम पूरे देश में युवा गतिविधियों को, सामाजिक गतिविधियों को और राष्ट्र स्तर की, राष्ट्र की उन्नति की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो ये सारे